हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा यूनिट 5 का टॉपिक बाउंड्रीज यानी कि सरहद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अभी न्यूली एडिट किया गया है। ये एक तरीके से आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है उसका पार्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाउंड्रीज क्या होती है? बेसिकली एक तरीके का डिवाइडर होता है, एक विभाजक रेखा होती है जो कि एक डिवाइड करती है विभिन्न आधारों पे। इसके अलग अलग आधार हो सकते हैं जिनके आधार पे ये डिवाइड करती है। आधार कौन कौन से? पहला आधार हो सकता है सामाजिक, जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से लोगों को विभाजित करती हैं, डिवाइड करती हैं, चाहे वो ऊंच नीच की भावना हो, स्तरीकरण हो, मीन्स की स्ट्रेटिफिकेशन हो, एंड अपर हायर का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें हो, तो और छुआछूत और जाति प्रथा, मीन्स की कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके का विभाजक का कार्य करती हैं, एक तरीके की बाउंड्री ही होती हैं। राजनीतिक आधार में बेसिकली वो एक तरीके की जो सीमा रेखा आ जाती है जो निर्धारित की जाती है विभिन्न सरकारों के द्वारा, उसको हम बोल सकते हैं। और जो सबसे मेन होता है वो होता है प्राकृतिक या फिर भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार पे क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से डिवाइड होती हैं सरहदें, मीन्स की जैसे कोई कहीं पर भी नदी हो गई, वो दो स्टेट्स को या फिर दो कम्युनिटीज़ को, लोगों को डिवाइड करती है, या फिर कहीं पे कोई पहाड़ हो गया, या फिर सपोज़ ऐसे ही जो भौगोलिक आधार होते हैं, कोई समंदर हो गया, तो वो जो लोगों को विभाजित करते हैं तो उनको हम कह सकते हैं वो भौगोलिक आधार पे सरहदें होती हैं। आर्थिक आधार पे ये जो वर्ग का विभाजन होता है ये भी एक तरीके का विभाजक रेखा का काम करता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आधार है, जो सरहद जिसको हम मेनली बोलते हैं, वो आधार है आपका राजनीतिक। क्या होता है कि जब दो संप्रभुता संपन्न जो गवर्नमेंट होती हैं वो एक विधिक रूप से, विधिक की मीन्स कानूनी तौर पे, लिखित तौर पे किसी देश की जो बाउंड्री है वो निर्धारित करती है, मीन्स की लिखित रूप पे कानून बनता है कि हाँ इस देश की गवर्नमेंट इतनी है और इसकी जो सरहद है वो इतनी होगी। तो वो संप्रभुता संपन्न गवर्नमेंट अपने देश की सरहदों को निर्धारित करती है और फिर दूसरे की जो सरहद है, जो दूसरे का क्षेत्र है, जो दूसरे देश का एरिया है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो संप्रभुता संपन्न है तो वो अपने क्षेत्र में, अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा भारत और चाइना का जो सीमा रेखा है इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो अभी भारत की अपनी एक बाउंड्री है, चाइना की अपनी एक बाउंड्री है, भारत अपने आप में स्वतंत्र है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है अपनी कंट्री के अंदर। सेम थिंग चाइना के अंदर भी है, वो भी एक तरीके से संप्रभुता संपन्न है और विधिक रूप से उसकी भी बाउंड्री निर्धारित है। तो जब भी ऐसा कोई भी देश दूसरे की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है या फिर सपोज कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो कि विधिक रूप से मान्य नहीं है, मीन्स कि उसको नहीं करना चाहिए बट वो कर रहा है, तो उसको इलीगल माना जाता है। सेम थिंग जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं कि भारत की अपनी संप्रभुता है और पाकिस्तान की अपनी संप्रभुता है। अभी जैसे कश्मीर का मुद्दा था तो ये कश्मीर जो है ये भारत का एक पार्ट है, अब पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसा कि अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे उठाया गया ये मुद्दा, तो उसमें यही चीज़ें निकल करके आई कि जो कश्मीर को लेकर के जो भी डिसीजन भारत ने लिया है वो उसने अपनी सरहद के अंदर लिया है, एक विधिक रूप से कार्यवाही की है तो उसको लीगल माना जाएगा और पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो सरहद का मेन जो राजनीतिक आधार होता है वो ये होता है कि संप्रभुता संपन्न जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी सीमा के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर कोई भी लीगली निर्णय ले सकती है और जो दूसरे लोग हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके की विभाजक रेखा होती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।